एक आइज़ वेलकम बैक टू किक ट्वेंटी फोर आई एम चित्रांक एंड आई एम हेअर टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड डेवलपर क्रिएटिंग अमेजिंग वेब एप्लीकेशंस और आज के इस वीडियो में हम लोग रियल टाइम कोलेबरेटिव टेक्स्ट एडिटर क्रिएट करेंगे अगर आज से पहले आपने कभी गूगल डॉक को यूज़ किया है तो आप जानते होंगे गूगल डॉक में एक या एक से ज़्यादा लोग एक साथ एक टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाते हैं और सारे ही चेंजेज एक साथ हर किसी को दिखाई भी देते हैं यह हो पाता है बिकॉज ऑफ वेब सॉकेट वेब सॉकेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम रियल टाइम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे गेम्स चैट एप्लीकेशंस और रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग वेब सॉकेट को यूज़ करते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वेब सॉकेट नो नीड टू वरी अबाउट दैट इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू सी वट वेब सॉकेट इज एंड वी विल ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट एन एप्लीकेशन यूजिंग वेब सॉकेट्स सो फर्स्ट लेट मी गिव यू द ओवर व्यू ऑफ अर एप्लीकेशन विच वी विल गोइंग टू क्रिएट सो अवर एप्लीकेशन यू आई इज़ प्री टी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई हैव टू इंस्टेंसेज ऑफ क्रोम सो ये है मेरा एप्लीकेशन जिसको आप बोल सकते हो यूज़र वन सेकेंड है यूज़र नंबर टू हो सकता है ये भी किसी रिमोट एरिया से हमारी इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है राइट right? जैसे ही यूज़र वन इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करेगा लेट मी जूम इन फॉर यू जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा दिस इज़ अमेजिंग यू कैन सी एट रियल टाइम हमारी जो एप्लीकेशन है जो भी मैंने यहाँ पर टाइप किया है इस वाले एरिया में भी हमको एग्जैक्ट सेम चेंजेस दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स यूज़र टू को भी एट रियल टाइम जो यूज़र वन चेंजेस कर रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके पीस ऑफ यू आई में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सिमिलरली गोज़ विथ दिस पार्ट एज वेल अगर यूज़र टू कुछ अपडेट करता है जैसे दिस इज़ फ्रॉम यूज़र टू सो यू कैन सी यूज़र वन को भी ये सारे चेंजेस रियल टाइम पर दिखाई दे रहे हैं सो यूज़र वन यूज़र टू और जितने भी यूज़र्स इस यू आर एल को ओपन कर रखे हैं वो सब रियल टाइम पे अपनी वेब एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं और सारे ही लोगों को जो भी इस यू के ऊपर कनेक्टेड हैं सबको वो सारे चेंजेस दिखाई देंगे सो दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड एज रियल टाइम वेब एप्लीकेशन और हमारी इस एप्लीकेशन का मैंने नाम दिया है कोलैब बुक आवर यू आई इज़ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन आप सोच सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस, Uh, हम लोग गेम्स uh, क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वेब सॉकेट वेब सॉकेट आखिर है क्या वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम लोग बैक एंड फोर्थ डेटा शेयरिंग कर सकते हैं रियल टाइम पे। अनलाइक एच रिक्वेस्ट यहाँ पर क्लाइंट हमेशा सर्वर से एक कनेक्शन क्रिएट करता है सर्वर जब भी रिस्पॉन्स बैक करता है वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है हमारा जो वेब सॉकेट होता है इसमें कनेक्शन कभी क्लोज़ नहीं होता यानी एक बार अगर आपने कनेक्शन क्रिएट कर दिया सर्वर से हमारे बैकएंड से वो कनेक्शन हमेशा ओपन रहता है एक पाइपलाइन क्रिएट हो जाती है जिस पाइपलाइन में यूज़र यानी क्लाइंट और सर्वर दोनों ही डेटा शेयर कर सकते हैं रियल टाइम पे और दोनों ही अपने अपने साइड से डेटा साइमल्टेनियसली बैक एंड फोर्थ शेयर कर सकते हैं वेब सर्किट फुल्ली डिप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल है यानी कि यहाँ पर आप रियल टाइम पे डेटा एक टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसा हमारा टेलीफोन काम करता है हम लोग एक टाइम पर हमारे फ़ोन पे किसी से बात करते वक्त इनपुट uh, भी दे सकते हैं यानी कुछ बोल भी सकते हैं एट द सेम टाइम हम लोग सामने वाले की बात सुन भी सकते हैं यानी रिसीव भी कर सकते हैं सो दिस कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम एज़ टू लाइन रोड जहाँ पर गाड़ियाँ जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं दिस इज़ वेब सॉकेट वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी हमारे एप्लीकेशन में जो वेब सॉकेट हम लोग यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग एक पैकेज यूज करेंगे दैट इज सॉकेट आयो सॉकेट आयो एक अच्छा पैकेज है बहुत ही सिंपल है ईजी टू यूज है ईजी टू लर्न है जिसकी मदद से हम लोग वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग फोर द टाइम लेट्स क्विकली जंप राइट इन टू अवर कोड एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट दिस एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग रिएक्ट अ लिटिल बिट ऑफ मेटेरियल यू आई एंड ऑफ कोर्स द बैकेंड सो इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग कस्टम हमारा खुद का बैकेंड क्रिएट करेंगे यूजिंग एक्सप्रेस जेस इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट एक्सप्रेस जेस और रिएक्ट और मेटेरियल यू आई नो नीड टू वरी अबाउट दैट यू कैन ईजिली फॉलो अलॉन्ग विथ अस ऑल राइट सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर और इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ को लैब बुक This folder will consist two things. First of all, we will have the backend code and our frontend code. So, backend, hum log create karenge using Express.js, yes, as I have already told you. So, let me create one more folder, and I'll name this folder as a Collab Book Backend. So, let me rename this folder as Collab Book C -O -L -L -A -B, Book.

that You have or you like. So let me open VS Code and let me go to File here at the top and then open folder. So I have created my folder inside my documents or men is a collab book. So this folder kume open Click on yes and authorize the application. Let me make it full screen and close the welcome window. दिस इज़ अवर बैक एंड फोल्डर इस बैक एंड फोल्डर के अंदर जाते हैं अभी कुछ भी नहीं है इस बैक एंड फोल्डर के अंदर हमको हमारा एक्सप्रेस जे एस स्टार्ट करना है यानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बैक एंड कोड से दैन हम लोग आएँगे वापस से हमारे रिएक्ट के फ्रंट एंड पार्ट पे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को चाहिए हमारे टर्मिनल को हम लोग ओपन कर लें एक बार तो so फ़िलहाल मेरा जो टर्मिनल है वो कोलैब बुक नाम के मेरे फोल्डर के अंदर ओपन है मैं चाहता हूं कि यह जाए मेरे कोलैब बुक बैक एंड के अंदर सो आई हैव टू चेंज द डायरेक्ट्री राइट सी डी एंड कोलैब बुक डॉट कोलैब बुक आईफन बैक एंड एंड इन साइड ऑफ दिस आई हैव टू राइट एन पी एम इनिट डैश वाई एन पी एम इनिट डैश वाई एक कमांड है जिसको आप रन करके एक सिंपल या फिर बेयर बोन प्रोजेक्ट विथ पैकेज जैसे क्रिएट कर सकते हो नाउ एन क्या है एन पी एम नोट पैकेज मैनेजर है नोट जे एस एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए या फिर एक्सप्रेस और रिएक्ट जैसी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आपके कंप्यूटर में नोट जे एस इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास नोट जे एस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है सो सिंपल से आपको जाना है क्रोम पे और क्रोम पे आपको एक नए टैब में जाकर लिखना है नोड इंस्टॉल एंड दिस वेबसाइट एट द टॉप नोट जे एस डॉट ऑर्ग इज़ दफिशियल वेबसाइट यहाँ से जो भी विंडोज़ मैक या फिर अदर टाइप के आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नोट जेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो नोट जेस जैसे ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा एन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा यानी एन को अलग से कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है एन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ नोट जे सो वंस यू इंस्टॉल नोट जेस यू आर गुड टू गो देन वी हैव टू राइट एन पी एम इन इट डैश वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रन दिस कमांड इन दी एग्जैक्ट डायरेक्टरी वेयर यू वॉन्ट टू इनिशलाइज योर बैक एंड मेरे पास में दो डायरेक्ट्रीज़ हैं कोलेब बुक एक फोल्डर है इसके अंदर में एक और फोल्डर है दैट इज़ कोलेब बुक बैकेंड मैंने अपने टर्मिनल को कोलैब बुक बैकेंड के अंदर नेविगेट किया है उसके बाद में टाइप कर रहा हूँ एन पी एम इन एट डैश वाई का मतलब होता है जितनी भी कंडीशन है उनको सबको येस कर दो और ये हमसे बार बार कंडीशन से नहीं पूछेगा कि क्या नाम रखना है क्या कुछ रखना है लेट्स रन दिस एंड अवर एप्लीकेशन आवर कमांड इज़ कम्प्लीटेड एंड वी हैव आवर बैक एंड एप्लीकेशन जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है सिंपल सा एक पैकेज जिसन हमको मिल गया इस फोल्डर के अंदर हमारे बैक एंड फोल्डर के अंदर हमको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है एंड दैट इज़ इंडेक्स डॉट जे एस सो दिस विल बी आवर मेन फाइल दिस विल बी आवर बैक एंड फाइल बट बिफोर दैट आई नीड टू इंस्टॉल एक्सप्रेस जे एस इन दिस फोल्डर बिकॉज मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सप्रेस जे एस फ्रेमवर्क को आई हैव टू इंस्टॉल इट राइट So inside my collab book backend folder I have to install. So to install anything using npm, you have to write npm i short for install or you can also write npm install. Let me close this and we'll get more space from here. So npm install express and along with express we need one more thing and that is socket .io, socket.io. सो वाई आई नीड सॉकेट आयो बिकॉज हम लोग सॉकेट को यूज़ करेंगे हम लोग वेब सॉकेट की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और जैसा मैंने आपको बोला था वेब सॉकेट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम सॉकेट आयो नाम की एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे सॉकेट आयो हमारे लिए वेब सॉकेट इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है सो आई हैव इंस्टॉल्ड टू थिंग्स एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड सॉकेट आयो साथ में मुझे एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है दैट इज़ सी ओ आर एस कोर्स क्रॉस ऑरिजन रिसोर्स शेयरिंग सो so, ये हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में दो डिफरेंट डोमेन है हमारा फ्रंट एंड किसी और यू आर एल पर होस्टेड है हमारा बैक एंड किसी और यू आर एल पे होस्टेड है और जब हमको कम्युनिकेट करना है हमारी ए पी आई इसको कॉल करना है डिफरेंट डोमेन से तब हमको क्रॉस ऑरिजन रिसोर्स शेयरिंग की मदद लेनी पड़ती है बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप क्रॉस ऑरिजन रिसोर्स शेयरिंग को इनेबल नहीं करते हो तो हम दो डिफरेंट डोमेन के बीच में इंटरेक्शन नहीं करा सकते यानी ए पी आई कॉलिंग वर्क नहीं करता जैसे ए पी आई कॉलिंग वर्क नहीं करता वैसे वेब सॉकेट भी वर्क नहीं करता

सारी की सारी डिपेंडेंसी इस नोट मॉड्यूल के अंदर है वी डोंट नीड टू टच दिस फोल्डर जस्ट लीव इट वी हैव पैकेज डॉट जे एस एन दिस पैकेज डॉट जे एस एन इज़ द कन्फिग्रेशन फाइल जहाँ पर हम लोग सारी डिपेंडेंसीज को देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में क्या कुछ है हमारी एप्लीकेशन में क्रॉस ऑरिजन रिसोर्स शेयरिंग है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है और सॉकेट आयो की लाइब्रेरी है और इसके सामने इनके वर्जन्स भी डिफाइंड है फोर पॉइंट एटीन पॉइंट टू सो आई थिंक दिस इज़ वेटी मच इट एंड दिस इज़ आवर पैकेज जेस वी कैन क्लोज दिस वी हैव created इंडेक्स file फाइल ये फाइल है हमारी मेन एंट्री पॉइंट हमारे बैक एंड एप्लीकेशन की यानी ये हमारा बैक हैंड होने वाला है पूरा इंडेक्स डॉट जे के अंदर हमारा बैकेंड का कोड होने वाला है ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग अवर बैक एंड स्क्रिप्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इम्पोर्ट और रिक्वायर ऑल द नेसेसरी थिंग्स विच वी नीड इन ऑर्डर टू क्रिएट आवर एक्सप्रेस सो नॉट एक्सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड एक्सप्रेस सो so, मैं रिक्वायर करता हूँ एक्सप्रेस को नोट जेस के अंदर वेन एवर वी हैव टू इम्पोर्ट समथिंग वी नीड टू यूज़ रिक्वायर की वर्ड राइट सो एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ और मैं एच टी टी पी मॉड्यूल को रिक्वायर कर लेता हूँ सो एच टी टी पी बेसिकली नोट का डिफॉल्ट एक मॉड्यूल है इनबिल्ट uh, मॉड्यूल है नोट जेस के अंदर उसको मुझे इम्पोर्ट कराना है सो so, मैंने रिक्वायर करा लिया है एच को देन उसके बाद हम लोगों को सॉकेट का रिक्वायरमेंट होगा बिकॉज ऑफ कॉर्स हम लोग सॉकेट आयो यूज़ कर रहे हैं सो so, हम लोगों को सॉकेट को रिक्वायर कराना पड़ेगा सो so, मैं लिखता हूँ रिक्वायर सॉकेट डॉट आयो सो ये डिपेंडेंसी हमने बेसिकली इंस्टॉल uh, करी है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में सो so, मैं आपशन भी कर देता हूँ सॉकेट आयो डिपेंडेंसी देन आफ्टर दैट हम लोगों को कॉर्स मिडल वेयर को भी रिक्वायर कराना है रिक्वायर कॉर्स स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग एंड ये एक मिडल वेयर है बेसिकली ये हमारी एक्सप्रेस और हमारे क्लाइंट के बीच में एक मिडल वेयर की जैसे काम करता है जब भी हमको दो डिफरेंट ऑरिजन्स के साथ में काम करना होता है सो so, जनरली हमको एक एरर मिलती है क्रॉस प्री फ्लाइट एरर उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं यानी कि दो डिफरेंट डोमेन इंटरेक्ट कर पाते हैं डेटा शेयर कर पाते हैं जब हम लोग कॉर्स को इनेबल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉर्ड्स डिसेबल होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सो so, हमको कॉर्स के मिडलवेयर को यूज़ करना पड़ता है डैट्स वाई हमने एक कॉर्ड्स को इंस्टॉल किया हमारी एप्लीकेशन में और इसको मैंने रिक्वायर भी कर लिया है so, सो हम लोगों ने सारी ही इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ को पहले तो रिक्वायर कर लिया है हमारे इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर नाउ लेट मी इनिशलाइज अवर एक्सप्रेस सो so, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस और हम लोग हमारे एक्सप्रेस को करते हैं इनिशियलाइज़, सो so, हमारे एक्सप्रेस का इंस्टेंस आ चुका है इस ऐप के अंदर एंड नाउ आई हैव टू यूज़ ऐप डॉट यूज़ द मिडल वेयर ऑफ कॉर्स विच वी हैव रिक्वायर्ड सो इस तरीके से हम लोग हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्रॉस ओरिजिन को यूज़ कर सकते हैं इस मिडल को बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड देन आई एम क्रिएटिंग अनादर कॉन्स्टेंट और इसके अंदर इस आयो के अंदर बेसिकली मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ या फिर इनिशलाइज़ कर रहा हूँ सॉकेट आयो को जिसको अभी मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कराया है सो so, सॉकेट आयो को इनिशलाइज़ करने के लिए आ, हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए होती हैं ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सो लेट मी मेन्शन इट हेयर वी नीड टू डिफाइन टू थिंग्स यानी कि सॉकेट आयो ये जो फंक्शन है इसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर पहला हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है एच टी टी पी सर्वर एच टी टी पी सर्वर एंड सेकेंड हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा uh, हमारे जितने भी रूल्स हैं जो हम बेसिकली यहाँ पे क्रॉस ऑरिजन रिसोर्स शेयरिंग के रूल ऐड करेंगे दैट इज़ प्राइमरी दैट इज़ सेकेंडरी थिंग जो प्राइमरी फोकस है हमारा फिलहाल इस वक्त वो है एच टी टी पी सर्वर क्रिएट करना सो so हम लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन में एक्सटर्नली एच को यूज़ करके एक सर्वर हमारा खुद का क्रिएट करेंगे इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सप्रेस जस्ट टू क्रिएट देयर सर्वर राइट नॉर्मली एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एच सर्वर नहीं क्रिएट करते हैं लेकिन वेब सॉकेट्स को यूज़ करने के लिए ये मैंडेटरी है कि हम लोग हमारा खुद का एक एच सर्वर के साथ में हमारे सॉकेट uh, को इंटरेक्ट कराएँ या फिर टाइप करें राइट right? तो so, उसके लिए हम लोगों को Uh, हमारे एच टी टी पी मॉड्यूल को यूज़ करके एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वेरी ईजी मैं इसका नाम दे देता हूँ सर्वर असाइन एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल है और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ मेरे ऐप को सो नाउ अवर एक्सप्रेस विल वर्क एज एन हैंडलर एंड एच टी टी पी सर्वर को एच टी पी के थ्रू हमने एक सर्वर क्रिएट कर लिया है और जिसका इंस्टेंस मैंने इस कॉन्स्ट के अंदर होल्ड करके रखा है सो so, सॉकेट आयो के okay, अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है सर्वर का और दूसरे के अंदर दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर हम लोगों को बेसिकली रूल डिफाइन करना पड़ेगा हमारे कॉर्स को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे सो so, मैं देता हूँ एक एंटर और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कॉर्स एंड दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको तीन चीज़ें डिफाइन करनी है सबसे पहला है ऑरिजिन यानी कि हमारा फ्रंट एंड का डोमेन हम लोगों को बेसिकली हमारे बैक एंड को बताना पड़ेगा कि फ्रंट एंड का डोमेन क्या है किस डोमेन से रिक्वेस्ट आए तब उसको एक्सेप्ट करो अदरवाइज़ हमारा जो बैक एंड होगा हमारी जो रिक्वेस्ट होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटा को शेयर नहीं करेगा हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा ऑरिजिन uh, हम लोग डेवलपमेंट में हैं फिलहाल इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोकल होस्ट कॉल थ्री थाउजेंड बिकॉज आई नो जो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन होता है वो लोकल होस्ट थ्री थ्री थाउजेंड पर चलता है लेकिन मुझे यहाँ पे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम देना पड़ेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एच टी डी पी कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन थ्री थाउजेंड सो ये होगा हमारा ऑरिजिन जब इस ऑरिजन से रिक्वेस्ट इनिशिएट किया जाएगा फ्रंट एंड की साइड से तब हमारा बैक एंड इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा अदरवाइज किसी भी और पोर्ट पर यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी और हमारा बैक एंड कोड जो होगा हमारा एप्लीकेशन जो होगा बेसिकली नहीं चलेगा हमारा सॉकेट नहीं काम करेगा अगर बात करें प्रोडक्शन सिनेरियो की तो हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा हमारे फ्रंट एंड का यू या फिर डोमेन अभी के लिए हम लोग बैक एंड के अंदर लोकल होस्ट को ही मैंशन कर सकते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग इन द डेवलपमेंट एनवायरमेंट देन वी हैव टू डिफाइन द मैथड्स सो कौन से कौन से मैथड्स एक्सेप्ट करेगा हमारा सॉकेट सो हेयर वी हैव टू डिफाइन टू थिंग्स फर्स्ट हमारा गेट होगा जस्ट लाइक एच के अंदर गेट और पोस्ट होता है हमारा यहाँ पर भी हम लोग गेट पोस्ट को यूज़ करेंगे to get the data and to send the data and credentials नाम का एक और हम लोग property pass कर सकते हैं credentials और इसको मैं pass कर देता हूं true so that's it that's the configuration of our socket of socket io and हमने हमारे socket io को configure कर दिया है. एंड जो भी इंस्टेंस है जो भी कन्फिगरेशन का जो भी रिजल्ट है वो आयो के अंदर स्टोर हो चुका है यानी हमारा कन्फिग्रेशन आयो नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है नाउ लेट मी गिव यू एन ओवर व्यू सॉकट बेसिकली काम कैसे करता है अगर आप लोगों ने एस टी टी पी रिक्वेस्ट या फिर ए पी आई कॉलिंग्स पर पहले काम किया है या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट में ए पी आई उसको कॉल किया है सो यू नो ए पी आई कॉल करने के लिए आपके पास एक यू आर एल होता है जिस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को हम लोग यूज़ करते हैं एक एंड पॉइंट होता है जिसपे हम लोग फैच या फिर एजेक्स एक्स या फिर एक्सी की मदद से उस एंड पॉइंट को हिट करते हैं जब उस एंड पॉइंट को हम हिट करते हैं उस सर्टेन कंट्रोलर पे हमारा कंट्रोल शिफ्ट होता है हमारे बैक एंड में वो पर्टिकुलर कंट्रोलर कॉल होता है और हमारी ए कॉल हो जाती है राइट और हमको रिस्पॉन्स मिलता है बेस्ड ऑन जो भी हमने यू पास किया जो भी एंड पॉइंट हमने फ्रंट एंड से कॉल किया है सॉकेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है सॉकेट के अंदर हमारे पास में ए पी आई यू आर एल नहीं होते यानी कि हमारे पास में स्पेसिफिक ए पी आई नहीं है गेट ऑल पेशेंट फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ए पी आईज़ पर पहले वर्क किया सो यू नो डैट हम लोग जनरली जो ए पी आईज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं ए पी आई स्लेश गेट ऑल इस टाइप से और इस एंड पॉइंट को हम लोग हिट करते हैं बट नाओ सॉकेट के अंदर ये एंड पॉइंट्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं होते इंस्टीड ऑफ दैट हमारे पास में होते हैं इवेंट जैसे एच टी एम एल के इवेंट होते हैं ऑन क्लिक ऑन चेंज ऑन होवर उसी तरीके से हमारे पास में एबिलिटी होती है कि सॉकेट के अंदर हम लोग कुछ इवेंट क्रिएट कर सकते हैं तो सेम लाइक कॉलिंग ऑफ फंक्शन हम लोग जब फ्रंट एंड के थ्रू उन इवेंट्स को कॉल करेंगे तब बैक एंड में एक सर्टेन इवेंट कॉल होगा जो हम लोग डिफाइन करेंगे सो फिलहाल आई थिंक ये थ्योरी पार्ट है इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं एंड देन यू विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ इट बट लेट मी टेल यू हमारे पास में दो प्री डिफाइंड इवेंट होते हैं दो ऐसे इवेंट हमको सॉकेट आयो देता है जो हम लोगों को क्रिएट नहीं करने वो हमको मिल रहे हैं सॉकेट आयो हमको बाई डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट इज कनेक्शन एंड सेकेंड इज डिसकनेक्ट कनेक्शन इवेंट जब ट्रिगर होता है जब कोई यूज़र हमारे बैक एंड से कनेक्ट होता है यानी हमारे सॉकेट से कनेक्ट होता है फ्रंट एंड के थ्रू राइट एंड डिसकनेक्ट इवेंट तब कॉल होता है जब यूज़र डिसकनेक्ट होता है सो so, ये दो प्री डिफाइंड हमारे पास मेथड है लेट मी डू वन थिंग मैं यहाँ पर एक आ, हमारे आयो इंस्टेंस को यूज़ करके मैं लिसन करता हूँ एक इवेंट पर लिसन करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉट ऑन राइट जस्ट लाइक रियल वर्ल्ड सीनारियो हम लोग बोलते हैं ना जब ये चीज़ हो तब सो so, सिमिलरली यहाँ पर भी आयो यानी कि सॉकेट आयो में जब कुछ हो तो हम लोगों को लिखना है डॉट ऑन देट मीन्स वी आर लिसनिंग टू अ स्पेसिफिक इवेंट राइट दिस इज बेसिकली अ फंक्शन इस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट होते हैं या फिर दो पैरामीटर्स होते हैं फर्स्ट इज़ द इवेंट नेम यहाँ पर इवेंट का नाम आएगा एंड सेकेंड इज़ द कॉल बैक फंक्शन दिस इज़ अवर कॉल बैक फंक्शन सो दिस इज़ सॉकेट डॉट ऑन फिलहाल मैंने इसका नाम आयो रखा है सो so इसलिए आयो डॉट ऑन डॉट ऑन मीन्स वी आर लिसनिंग टू एर इवेंट दैट इज इम्पॉर्टेंट सो वॉट वी आर लिसनिंग टू फर्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू हमारे पास में एक प्री डिफाइंड इवेंट है दैट इज कनेक्शन हमारा सॉकेट का कोड या फिर हमारा बैक एंड का कोड हमेशा इस इवेंट को लिसन करता रहेगा देखता रहेगा क्या कोई इवेंट फ्रंट एंड की साइड से ट्रिगर हो रहा है एंड हमारे केस में फिलहाल जो पहला इवेंट मैंने क्रिएट किया है वो है कनेक्शन का इवेंट जैसे ही कनेक्शन हो रहा है मतलब फ्रंट एंड की साइड से जैसे ही हमारा फ्रंट एंड कनेक्ट होता है हमारे बैक एंड से हम लोग इस फंक्शन को ट्रिगर कर देंगे या फिर हमारा सॉकेट का कोड इस फंक्शन को इस कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर कर देगा सो दिस पीस ऑफ कोड इज़ एज सिमिलर एज एन ए तो ए में जैसे डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं जब एक सर्टेन एंड पॉइंट हिट होता है तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड बैक एंड में चलता है सेम यहाँ पे हो रहा है आई ओ डॉट ऑन इफ आई क्रिएट माई ओन इवेंट फॉर एग्जाम्पल कॉल मी जैसे ही मैं फ्रंट एंड की साइड से इस इवेंट को कॉल करूँगा फ्रंट एंड की साइड से कैसे कॉल होगा डोंट वरी अबाउट दैट वी विल गोइंग टू सी दिस कि हम लोग इस इवेंट को कैसे कॉल करते हैं लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए जब फ्रंट एंड से हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन से हम इस इवेंट को कॉल करेंगे तब ये पर्टिकुलर बस ये वाला पीस ऑफ हमारा कोड या फंक्शन या कॉल बैक फंक्शन चलेगा सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक एन ए पी आई एंड पॉइंट राइट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली एन ए पी आई एंड पॉइंट दिस इज एन इवेंट और इन शॉर्ट मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एंड दिस इज़ माई कस्टम इवेंट लेट मी रिमूव इट फॉर नाउ एंड हम लोग फोकस करते हैं हमारे कनेक्शन पे जैसे ही यूज़र हमारी एप्लीकेशन में हमारे सॉकेट से कनेक्ट होगा तब ये कोड चलेगा इस कोड में ये जो हमारा पैरें है इसके अंदर हमको मिलेगा बेसिकली सॉकेट का इंस्टेंस राइट सॉकेट एंड मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ ताकि हमको बैकएंड में हमारे टर्मिनल पे दिख जाए कि अ न्यू यूज़र हैज़ बीन कनेक्टेड जैसे ही कोई भी फ्रंट एंड हमारी इस एप्लीकेशन के बैक एंड को हिट करने का ट्राई करेगा कनेक्ट करने का ट्राई करेगा और सॉकेट जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा फ्रंट एंड से ये हमारे पास में लॉग आएगा अ न्यू यूज़र हैज़ बीन कनेक्टेड अब जो भी कनेक्शन हुआ है वो कनेक्शन का डिटेल हमारे इस सॉकेट नाम के वेरिएबल के अंदर है राइट right? हम इस सॉकेट को यूज़ करके खुद के इवेंट क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड ऑफ अवर कनेक्शन सो आप इसको इस तरीके से देखिए कि जब तक यूज़र कनेक्टेड है यूज़र इस पीस ऑफ कोड के अंदर इन दो करली ब्रेसिस के अंदर है लेट मी क्रिएट डिसकनेक्ट वाला अभी मैं फंक्शन एक बार क्रिएट कर लेता हूँ ऑन डिसकनेक्ट राइट जैसे ही ये फंक्शन ट्रिगर होगा जैसे यूज़र डिसकनेक्ट होगा आई जस्ट सिम्पली वॉन्ट टू डू वन थिंग मुझे यहाँ पर सिर्फ कंसोल डॉट लॉग लगा देना है मैं हमारे बैकहैंड डेवलपर को ये बताना चाहता हूँ कि यूज़र हैज़ बीन डिसकनेक्टेड यूज़र हैज़ बीन डिसकनेक्टेड सेव इट नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल यहाँ पर हमको कुछ भी एक्सेप्ट uh, करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यूज़र डिसकनेक्ट ही कर चुका है सो दिस फंक्शनैलिटी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है कनेक्शन यानी जैसे ही यूज़र कनेक्ट हुआ सॉकेट के अंदर आया हमारा कनेक्शन अब इस सॉकेट को यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं खुद के कस्टम इवेंट्स लेट मी राइट और लेट मी क्रिएट द फर्स्ट कस्टम इवेंट हमारे केस में हम लोग ये जो टेक्स्ट एडिटर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं जैसे ही यूज़र कुछ भी टाइप कर रहा है जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टी वाई पी कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो एक इवेंट कॉल हो रहा है और उस इवेंट के अंदर मैं भेज रहा हूँ फ्रंट एंड की साइड से मैं भेज रहा हूँ जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ राइट सो मैं हमारा एक कस्टम इवेंट क्रिएट करता हूँ लिखता हूँ मैं सॉकेट डॉट ऑन मेरे कस्टम इवेंट का नाम है अपडेट कॉन्टेंट मैं इसका नाम दे रहा हूँ अपडेट कॉन्टेंट यू कैन नेम इट एनी आप इसको अपडेट भी बोल सकते हो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो बट मेक श्योर जो आप यहाँ पर नाम दे रहे हो आपको सेम नाम यूज़ करना पड़ेगा फ्रंट एंड में इट्स इट्स लाइक एन ए पी ये बिल्कुल ए जैसा ही है राइट right? सेम आपका ए का एंड पॉइंट अगर सेम है तभी फ्रंट एंड से कॉल होता है सेम गोज़ हेयर ऑल्सो सो सॉकेट डॉट ऑन अपडेट कॉन्टेंट नाउ जैसे ही यूज़र अपडेट कॉन्टेंट नाम के इस इवेंट को फ्रंट एंड से कॉल करेगा हम लोग हमारे फ्रंट एंड से कुछ कॉन्टेंट भी भेजेंगे क्या कॉन्टेंट भेजेंगे जो भी यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं राइट right? उस कॉन्टेंट को हम लोग हमारे बैक एंड में भेजेंगे और वो मुझे रिसीव होगा इस कॉल बैक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में सो दिस इज़ इक्वी वेलेंट टू गेट यानी जैसे हम लोग कुछ गेट करते हैं हम लोग यहाँ पर केवल गेट कर रहे हैं यूज़र ने जो कॉन्टेंट सेंड किया है या जिस भी तरीके से सेंड किया होगा बट हम लोग यहाँ पर बेसिकली हमारे कंटेंट को रिसीव कर रहे हैं राइट आफ्टर रिसीविंग दिस कॉन्टेंट वॉट वी कैन डू जैसे ही मैंने एक बार जो भी यूज़र ने टाइप किया है मेरे बैकेंड में भेज दिया मेरा बैक एंड इस कंटेंट को सभी लोगों को एमिट कर सकता है यानी कि सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट कर सकता है जो भी कनेक्शन में फिलहाल कनेक्टेड है अगर हमारे पास में दो यूजर हमारे बैकएंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड हैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था दो अगर हमारे पास में इंस्टेंसेज हैं एप्लीकेशन के और दोनों ही सेम सॉकेट पर कनेक्टेड हैं सेम यू आर कनेक्टेड हैं तो जितने भी यूजर कनेक्टेड हैं उन सब को हम लोग जो भी चेंज कर रहा है इंडिविजुअल यूजर वो सबको एमिट कर सकते हैं सो so, एमिट करने का कोड भी बहुत सिंपल है सॉकेट के अंदर वी जस्ट नीड टू राइट सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट एंड वॉट वी विल एमिट सो अगेन एमिट करते टाइम पे भी हम लोग एक इवेंट सेंड करते हैं हमारे फ्रंट एंड को राइट फ्रंट एंड भी लिसन करेगा पर्टिकुलर इवेंट पे जैसे सेंड करते टाइम पे एक पर्टिकुलर इवेंट नेम पे ही हम लोग डेटा सेंड करते हैं वैसे ही रिसीव करते टाइम पे भी एक पर्टिकुलर इवेंट का नाम होगा जिसपे हम लोग डेटा रिसीव करेंगे हमारे फ्रंट एंड में सो so, फिलहाल मैं इसका नाम दे देता हूँ रिसीव आर ई सी ई आई वी ई रिसीव अपडेट सो बेसिकली हम लोग हमारे यूज़र को बोल रहे हैं कि जो भी अपडेट हो रहा है उसको रिसीव कर लो ये सिंपल सा मैंने नाम दिया है अगेन अ कॉल बैक फंक्शन या फिर कॉल बैक फंक्शन की नीड नहीं है हमको यहाँ पर देना होता है कॉन्टेंट जो हम लोग सेंड करना चाहते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं सो so बेसिकली जो कंटेंट मुझे मिला है ऊपर में मैं उसी को ही ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ सी ओ एन टी ई एन टी यस सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि जो भी हमको यूजर से मिल रहा है हमारे फ्रंट एंड से मिल रहा है वो इस वेरिएबल में आ रहा है और जैसे ही मेरे पास में आ, सारा कंटेंट आ रहा है मैं इस सारे ही कंटेंट को जो भी मुझे फ्रंट एंड की साइड से एक यूज़र दे रहा है उसको सारे यूज़र्स को एमिट कर रहा हूँ एक चेंज जैसे ही इंडिविजुअल करेगा जैसे मान लीजिए यूज़र ए जैसे ही कोई चेंज करेगा हमारा बैकहेंड सारे कनेक्टेड यूजर्स को जो यूज़र ए ने चेंज किया है वो एमिट कर देगा ब्रॉडकास्ट कर देगा ब्रॉडकास्ट करने का मतलब एक साथ बहुत सारे लोग उस चीज़ को देख पाते हैं उसी को हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं सेम कॉन्सेप्ट गोज हेयर ऑल्सो हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उस कॉन्टेंट को जो यूजर ए ने लिखा है टू यूजर बी सी टी जितने भी यूजर कनेक्टेड हैं विद डैट सेट हमारा फंक्शनैलिटी सॉकेट आयो का कंप्लीट हो चुका है राइट right? ये बहुत सिंपल था हम लोगों ने एक सिंपल सा बैकेंड कोड लिखा है जिसमें हम लोगों ने सॉकेट को इम्पोर्ट कराया है हमने एच डी पी एक सर्वर क्रिएट किया है उस सर्वर को यूज़ करके हम लोगों ने सॉकेट आयो की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हमारे सर्वर को कन्फिगर कराया है सॉकेट आयो को कन्फ़िगर कराया है दिस इज़ द कोड ऑफ कन्फिगरेशन हमने डिफाइन किया है किस फ्रंट एंड यू आर एल से हम लोग इस बैक एंड को कॉल करेंगे और हमने क्रॉस मिडल वेयर को भी सेटअप कराया ठीक है आफ्टर सेटिंग अप एवरी थिंग रिलेटेड टू क्रॉस ऑरिजन एंड सॉकेट आयो हम लोगों ने एक सॉकेट कनेक्शन क्रिएट किया है ऑन कनेक्ट ये जो डिफॉल्ट हम लोगों को मिलता है इवेंट और जैसे ही यूज़र कनेक्ट होगा हमको मिलेगा एक मैसेज अ न्यू यूज़र हैज़ बीन कनेक्टेड एंड देन वी हैव क्रिएटेड टू कस्टम इवेंट एक कस्टम इवेंट है जो हमारा डेटा रिसीव कर रहा है बैक एंड में और दूसरा हमारा कस्टम इवेंट है जो बेसिकली डेटा एमिट कर रहा है सो so, मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ आर ई सी आर ई सी ई आई वी ई होती है आई गेस सो ये जो कस्टम इवेंट है ये डेटा ब्रॉडकास्ट कर रहा है राइट right? यानी हमारा एक ए पी आई है जो ए पी आई डेटा ले रहा है और दूसरा ए पी आई डेटा सेंड कर रहा है सबको आई होप दिस मेक सेंस सो नाउ लेट मी गिव सम सेमी कॉलन्स एट दी एंड एंड हमारे इस एप्लीकेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चलेगी मैं इसमें एक पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ फोर थाउजेंड एंड जैसे हम लोग नॉर्मल uh, हमारी एक्सप्रेस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोगों को लिखना होता है सर्वर डॉट लिसन एंड हमारा सर्वर किस पोर्ट पे लेसन करेगा हमने जो पोर्ट डिफाइन करा है उस पर लिसन करेगा और जैसे ही कनेक्शन हो जाएगा हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा जहाँ पर हम लोग सिंपल सा कंसोल लॉक करा देते हैं कौनसोल डॉट लॉक बैकटेक्स के अंदर में लिख देता हूँ सर्वर रनिंग एट पोर्ट यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हमारा पोर्ट सो द पोर्ट जिस पर भी हमारा सर्वर रन कर रहा है राइट right? सो so, हमारा सर्वर रन करेगा पोर्ट फोर थाउजेंड पे मी पोर्ट अ सेमी कॉलन एंड अब हम लोग इस एप्लीकेशन को करते हैं स्टार्ट सो एक्सप्रेस एप्लीकेशन को स्टार्ट करना भी बहुत इजी है यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू टर्मिनल एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं एंड फ़िलहाल जो मेरा टर्मिनल है वो ओपन हुआ है कोलैब बुक के अंदर आई हैव टू गेट इनसाइड माई कोलैब बुक बैक एंड बिकॉज यहाँ पर है हमारा कोड सो आई डू सी डी चेंज माई डायरेक्ट्री टू कोलेब बुक कोलेब आई फन बुक आई फन पी एस सी के ई एंड डी बैक एंड एंड नाओ टू स्टार्ट अवर फाइल और टू कंपाइल अवर फाइल हम लोग यूज़ करेंगे नोट को सो so, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा नोड इंडेक्स डॉट जे एस जैसे ही मैं इंडेक्स डॉट जे एस लिखता हूँ ये पीस ऑफ जो हमारी फ़ाइल है ये नोट जे एस कंपाइल करेगा रन करेगा एंड यू कैन सी हमारे पास में मैसेज आ चुका है सर्वर रनिंग एट पोर्ट फोर थाउजेंड और साथ में हमको एक मैसेज भी मिल गया है कि अ न्यू यूज़र हैज़ बीन कनेक्टेड सो ये मैसेज क्यों मिला है मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट थ्री थाउजेंड पर ऑलरेडी जो मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है उसको चला के रखा हुआ था दैट्स वाई मुझे यहाँ पर ये भी मिल गया मैसेज कि एक नया यूज़र जो है वो कनेक्ट हो चुका है नाओ हमारा बैक एंड का कोड कम्प्लीट हो चुका है नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अवर फ्रंट एंड कोड और फ्रंट एंड कोड क्रिएट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ फ़ाइल में और मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ हमारे वर्कस्पेस को इस कोलैब बुक के अंदर में जो बैकेंड है ये रहा मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है रिएक्ट का एप्लीकेशन सो कोलैब बुक नाम के फ़ोल्डर के अंदर यह है हमारा बैकेंड बैकेंड का फोल्डर यहाँ पर मैं एक और नया फोल्डर क्रिएट करूँगा यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप बेसिकली मैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ क्रिएट करूँगा सो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं जाता हूँ टर्मिनल में एक नया टर्मिनल मैं क्रिएट करता हूँ एंड इस टीबकर को यहाँ से निकालते हैं एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि विल गेट अ बेटर व्यू सो फिलहाल मैं कोलैब बुक नाम के फोल्डर के अंदर हूँ दैट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट आई हैव टू राइट एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप देन अवर एप्लीकेशन नेम सो मैं इसका नाम दे देता हूँ कोलैप आइफन बुक आइफन फॉर ओ एंटी फ्रंट एंड हिट ऑन एंटर और थोड़ी देर में हमारा जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाएगा सो so, हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है एंड uh, मुझे जाना पड़ेगा मुझे चेंज करनी पड़ेगी डायरेक्टरी बिकॉज अभी मैं कोलैब बुक के अंदर हूँ मुझे चेंज करके जाना होगा कोलैब बुक फ्रंट एंड के अंदर कोलैब बुक फ्रंट एंड एंड एम इन साइड माई कोलैब बुक फ्रंट एंड और मैं टाइप करता हूँ एन पी एम स्टार्ट एंड इसी के साथ मेरा जो एप्लीकेशन है वो लोकल होस्ट थ्री थाउजेंड पर स्टार्ट हो चुका है मुझे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जो मेरा फ्रंट एंड है इस इसके अंदर भी मुझे दो डिपेंडेंसीज़ के रिक्वायरमेंट है सो मुझे इंस्टॉल करना होगा उन दोनों डिपेंडेंसीज़ को पहली जो हमारी डिपेंडेंसी है वो है सॉकेट आयो क्लाइंट क्योंकि हमने बैक एंड में सॉकेट आयो यूज़ किया है सिमिलरली हम लोगों को सॉकेट आयो यूज़ करना पड़ेगा फ्रंट एंड में भी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में भी ताकि हम लोग हमारे सॉकेट आयो को हमारे बैक एंड के अंदर जो हमने सॉकेट अभी क्रिएट किया उसको यूज़ कर पाएँ सो इसका ये रहा इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट एन पी एम आई सॉकेट आयो क्लाइंट इसको करते हैं कॉपी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में हम लोग एक टर्मिनल ओपन कर चुके हैं इस टर्मिनल के अंदर मैं इसको करता हूँ पेस्ट एंड हिट ऑन एंड और थोड़ी देर में हमारी जो सॉकेट आईओ क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे फ्रंट एंड में विद दैट सेट हम लोगों को एक चीज़ और इंस्टॉल कर लेनी चाहिए दैट इज़ मटेरियल यू आई नाउ दिस इज़ अप टू यू अगर आप मटेरियल यू आई यूज़ करना चाहते हैं सो यू कैन फॉलो अलॉन्ग और आप मटेरियल यू आई इंस्टॉल लिख के और आप एट एम यू आई डॉट कॉम की वेबसाइट पर जाकर मटेरियल यू आई को इंस्टॉल करने का कमांड कॉपी करके इसको भी अपने प्रोजेक्ट uh, के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर बट दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल आप चाहो मटेरियल यू आई यूज़ करना तो आप करिए अगर आपको चाहिए कि मटेरियल यू आई यूज़ नहीं करना है आपको कस्टम सी एस एस लिखना है या फिर किसी भी टाइप से आपको अपने फ्रंट एंड में मटेरियल यू आई नहीं चाहिए सो जस्ट फील फ्री टू स्किप दिस स्टेप बेसिकली मैंने मटेरियल यू इंस्टॉल कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत यू मटेरियल यू यूज़ करके क्रिएट करना है बट इट्स अप टू यू नाउ वी हैव को बुक फोल्डर इस को बुक फोल्डर के अंदर हमारा बैकहेंड था एंड रिएक्ट एप्लीकेशन हमने जो क्रिएट किया है वो ये रहा रिएक्ट एप्लीकेशन का ये फोल्डर स्ट्रक्चर है आई होप अगर आपने पहले रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करी है सो यू आर ऑल फेमिलियर विथ दैट स्ट्रक्चर नोट मॉड्यूल्स अगेन वी डोंट नीड टू टच दिस नोट मॉड्यूल फोल्डर पब्लिक वी डोंट नीड टू टच दिस एस आर सी हम लोगों को एक्सपेंड uh, करना है एंड यहाँ पर एक फाइल है एट इज़ एप डॉट जी एस सो रिएक्ट एप्लीकेशन हमेशा एप डॉट जी एस से स्टार्ट होती है ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है ये एप्लीकेशन uh, को क्रिएट करने का हमारा मेन पेज है एक तरीके से यहाँ पर हम लोगों को कुछ बॉयलर प्लेट मिलता है इस बॉयलर प्लेट को हम लोग जो यहाँ दिख रहा है हमको लोगो ये इस बॉयलर प्लेट की वजह से है इस बॉयलर प्लेट में जो हैडर है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कम्प्लीटली रिमूव सेव करते हैं और हमको मिल रहा है एक ब्लैंक पेज एक ब्लैंक कैनवस हमारी एप्लीकेशन के लिए साथ में सी एस एस और लोगो जो इम्पोर्ट हो रहा है मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी सी एस एस फ़िलहाल नहीं चाहिए मेरी एप्लीकेशन में मैं एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एंड उसका नाम मैं दे देता हूँ कॉम्पोनेंट्स बिकॉज रिएक्ट के अंदर हम लोग कॉम्पोनेंट क्रिएट करते हैं एंड इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग टू ब्रेक योर एप्लीकेशन इन टू स्मॉल यू आई कॉम्पोनेंस सो मैंने एक कॉम्पोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट किया है इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा मैं इस फाइल का नाम देता हूँ होम डॉट जे एस एक्स सो जे एस एक्स एक्सटेंशन आप लगा सकते हो या फिर आप जे एस एक्सटेंशन भी लगा सकते हो इट्स ऑल अप टू यू जे एस एक्स लगाने से uh, हमको थोड़ा सा बेटर कोड कंप्लीशन uh, मिलता है वी एस कोड के साइड से सो आई एम यूजिंग जे एस एक्स देन आई विल बी यूज़ वन स्निप इट दैट इज़ आर एफ सी ई जैसे ही मैं आर एफ सी ई लिख कर एंटर करूँगा मुझे एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट मिल गया इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये आर एफ सी ई कैसे काम कर रहा है सो so अगर आपके कंप्यूटर में काम नहीं करता बेसिकली सो आपको एक्सटेंशंस में जाना पड़ेगा एक्सटेंशंस में आपको सर्च करना पड़ेगा ई एस सेवन React Redux रियाक्ट रीडक्स स्निपिट्स स्निपिट्स और जैसे ही आप ये सर्च करोगे जो पहला एक्सटेंशन आएगा इस एक्सटेंशन को बेसिकली आपको कर लेना है इंस्टॉल और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मे बी आपको एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा वी एस कोड को एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट दिस शॉर्ट हैंड सिंटेक्स आर एफ सी ई जैसे आप लिखोगे इस स्नेपेट की मदद से आपका फंक्शनल कॉम्पोनेंट क्रिएट हो जाएगा सो so, मैंने एक होम नाम का कॉम्पोनेंट क्रिएट किया है इस होम कॉम्पोनेंट को मैं इम्पोर्ट करा लेता हूँ मेरे ऐप जो के अंदर सो so, सिंपली मुझे यहाँ पर रेंडर कराना है होम को कंट्रोल और स्पेस के थ्रू मैं ऑटो इम्पोर्ट करा सकता हूँ सो so, इम्पोर्ट कर लिया है मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन ने होम को फ्रॉम डॉट स्लैश कॉम्पोनेट स्लैश होम लेट्स सेव दिस और मैं इसको भी कर देता हूँ भी क्लिक क्लोज हमारी एप्लीकेशन में हमको होम दिख रहा है लेट मी जूम इन अ लिटिल ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे ये एंड देन लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर फ्रंट एंड सो जैसा हमारा फ्रंट एंड था हमारे फ्रंट एंड में हमको थोड़ा सा हैडर वगैरह चाहिए विल टॉक अबाउट दैट हैडर पार्ट लेटर मैं पहले आपको फंक्शनैलिटी समझा देता हूँ हमारे टेक्स्ट एडिटर की सो टेक्स्ट एडिटर जो हम लोगों को क्रिएट करना है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया था सो लेट मी क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया राइट एंड अभी के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ इस टेक्स्ट एरिया को हम लोग सेल्फ क्लोजिंग बना सकते हैं देर इज़ नो इशू विद दैट सो हम लोग बना देते हैं इसको सेल्फ क्लोजिंग दिस इज़ अवर वेरी बेसिक टेक्स्ट एरिया राइट एंड इस होम डॉट जी एस नाम के कॉम्पोनेंट के अंदर वी नीड टू इंस्टॉल दी सॉकेट आई क्लाइंट जो हमने इंस्टॉल किया है थोड़ी देर पहले सो आई हैव टू राइट इम्पोर्ट देन सॉकेट आई ओ सॉकेट आई ओ आई ओ दोनों कैपिटल हैं सी एल आई एंड टी क्लाइंट फ्रॉम सॉकेट आई क्लाइंट राइट अगर आपको ये ऑटो सजेशन मिल जाता है दैट मीन्स आपका सॉकेट आयो का जो क्लाइंट है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है वंस वी हैव दिस सॉकेट आयो क्लाइंट हम लोग इस सॉकेट आयो के क्लाइंट को यूज़ करके हमारी सॉकेट की जो ए हैं या फिर जो इवेंट है उनको कॉल कर सकते हैं हम so, सो हम लोग फैच वगैरह यूज़ नहीं करेंगे हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉकेट आयो क्लाइंट लाइब्रेरी को आई होप दैट मेक सेंस फंक्शन जो हमारा है इस फंक्शन के ऊपर में टॉप में मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ एंड पॉइंट ये होगा हमारे बैक एंड का एंड पॉइंट सो हमारा बैक एंड कहाँ पर रन कर रहा है हमारा बैक एंड रन कर रहा है एच टी टी पी क्योंकि ऑफकोर्स लोकल होस्ट है एच टी टी पी लोकल होस्ट कॉलन फोर थाउजेंड जो पोर्ट हमने डिफाइन किया था सो so, इस पोर्ट पे हमारा बैकेंड जो है वो रन कर रहा है इसको मैंने इस एंड पॉइंट नाम के वेरिएबल में कर लिया है सेफ एंड जल्दी से मैं दो स्टेट वेरिएबल्स भी क्रिएट कर लेता हूँ ये दो जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली एक स्टेट वेरिएबल होगा जो हमारे इस टेक्स्ट एरिया में क्या लिखा है उसको हम लोग होल्ड करेंगे उसमें और दूसरा स्टेट वेरिएबल होगा हमारे सॉकेट को होल्ड करने के लिए राइट सो लेट मी क्विकली क्रिएट अवर फर्स्ट वेरिएबल और मैं इसका नाम दे देता हूँ कॉन्टेंट एंड सेट कॉन्टेंट सी ओ एन टी एन टी कॉन्टेंट इज़ इक्वल्स टू यूज स्टेट इम्पोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट and uh, then after that आई विल another uh, another अनादर स्टेट वेरिएबल और इसका नाम मैं देता हूँ socket comma set socket equals to use state again and uh, I will initialize it with null और जो content होगा इसको मैं initialize कर देता हूँ एम टी स्ट्रिंग से ठीक है यानी कि हमारे टेक्स्ट एरिया में इनिशियली कुछ नहीं है और हमारा सॉकेट इनिशियली नल है इनिशियली हमारे सॉकेट में भी कुछ नहीं है एज सिम्पल एज दैट नाओ इनसाइड अवर टेक्स्ट एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं वैल्यू को तो क्या वैल्यू होगी हमारा जो कॉन्टेंट होगा जो वेरिएबल हमने स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया है वो हमारे टेक्स्ट एरिया की वैल्यू होगी ऑन चेंज जैसे यूज़र इस टेक्स्ट एरिया में कुछ भी लिखेगा तो ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग और इसके अंदर ऑन चेंज के अंदर बेसिकली मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ हैंडल इसका नाम दे देते हैं कॉन्टेंट चेंज राइट अभी ये फंक्शन एक्सिस्ट नहीं करता है सो तो इसको मैं कर लेता हूँ क्रिएट हमारे नॉट कंट्रोल वी आई हैव टू डू कंट्रोल सी एंड यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन uh, को कर लेते हैं क्रिएट दिस विल बी एन एरो फंक्शन जिसमें हमको रिसीव होगा एक इवेंट एंड जो भी यूज़र टाइप करेगा हम लोग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से वो टेक्स्ट निकाल सकते हैं सो लेट मी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल इसके नाम को ही मैं देता हूँ न्यू कॉन्टेंट बेसिकली जो कॉन्टेंट हमारा uh, नया जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं दैट इज़ न्यू कॉन्टेंट इवेंट डॉट टारगेट टी ए आर जी टी टारगेट डॉट वैल्यू यानी कि जो भी यूज़र टाइप कर रहा है वो हमारे इस न्यू कॉन्टेंट नाम के वेरिएबल में हम लोग कर रहे हैं सेव एंड देन हम लोग सेट कॉन्टेंट को भी यूज़ करके हमारे कॉन्टेंट वेरिएबल को क्या कर देते हैं अपडेट कर देते हैं स्टिल नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों ने बस एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है और इस टेक्स्ट एरिया में जैसे यूज़र कुछ भी टाइप करेगा उसको हम लोग इस कॉन्टेंट नाम के वेरिएबल में सेव करें सो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ फिलहाल नॉट कंट्रोल एफ़ मैंने गलती से कंट्रोल एफ़ कर दिया सो बेसिकली अभी के लिए हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसमें केवल और केवल एक टेक्स्ट एरिया है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है नाओ लेट्स बिगिन अवर सॉकेट कनेक्शन क्योंकि अब हम लोगों को बेसिकली हमारे सॉकेट को कनेक्ट करना है फ्रंट एंड को कनेक्ट करना है बैक एंड से जो कि हम लोग करने वाले हैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर यूज इफ़ेक्ट हुक एक ऐसा हुक है जो बेसिकली जैसे ही हमारा कॉम्पोनेंट माउंट होता है तब एक बार चलता है एंड फर्दर हमारा जब कॉम्पोनेंट के अंदर जो भी डिपेंडेंसी हम डिफाइन करेंगे यूज इफेक्ट के ऊपर उन डिपेंडेंसीज के चेंज होने पर चलता है सो so, फिलहाल हम लोग लिखते हैं यूज इफ़ेक्ट यूज इफ़ेक्ट को कराना पड़ेगा हमको इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड दिस विल एक्सेप्ट एन एरो फंक्शन इन सेकेंड ऑप्शन वी हैव टू डिफाइंड एन एरे जो बताएगा किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट है यूज़ इफेक्ट सो मेरा यूज इफेक्ट फिलहाल किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है यानी एक ही बार ये कोड चलेगा एंड ये जो कोड होगा इसके अंदर हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे फ्रंट एंड को हमारे बैक एंड सॉकेट से सो लेट्स स्टार्ट बाई क्रिएटिंग अ वेरिएबल नेम एस यू कैन नेम इट एनीथिंग आई हैव नेम्ड इट एस सो ये जो एस होगा ये बेसिकली सॉकेट आयो क्लाइंट जो हमको प्रोवाइड कराएगा उसका इंस्टेंस होल्ड करेगा सॉकेट आयो क्लाइंट इज़ अ फंक्शन जो हम लोगों ने ऊपर अभी टॉप पे इंपोर्ट कराया था इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली डिफाइन करना पड़ता है कि किस एंड पॉइंट पे कनेक्शन क्रिएट करना है सो so, हमने वो भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है लोकलोस्ट फोर थाउजेंड हम लोगों को करना है कनेक्ट जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है डिफाइन जब भी कनेक्शन हो जाएगा जो भी हमारा रिजल्ट आएगा आउटपुट आएगा वो इस एस नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा और फिर हम लोग करते हैं एस डॉट ऑन ऑन जैसा मैंने आपको बैक एंड कोडिंग के टाइम बताया था ऑन हमेशा लिसन करता रहता है राइट right? जब ये चीज़ हो तब सॉकेट का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि 24/7 एक इवेंट को लिसन करते रहो जैसे ही इवेंट ऑकर हो वैसे ही काम करना स्टार्ट कर दो सो हम लोग लिख रहे हैं सॉकेट एस डॉट ऑन राइट दिस एस इज नथिंग बट अवर सॉकेट इंस्टेंस सो सॉकेट डॉट ऑन जैसे ही रिसीव आर ई सी ई आई वी ई रिसीव अपडेट हमारा इवेंट हम लोगों को रिसीव हो ये जैसे ही हमारे फ्रंट एंड में हम लोगों को रिसीव अपडेट नाम का इवेंट मिले हमारे सॉकेट को ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन रन कर देगा एंड दिस कॉल बैक फंक्शन विल बेसिकली होल्ड द डेटा विच आवर्स बैक एंड सेंडर्स तो आपको याद होगा हम लोगों ने रिसीव अपडेट नाम का एक इवेंट क्रिएट किया था हमारे बैक में जो कि बेसिकली सेंड करता है डेटा को कौन से डेटा को हमारा बैक सेंड करता है रिसीव अपडेट के अंदर उस डेटा को जिस डेटा को अपडेट कॉन्टेंट के थ्रू हम लोगों ने फ्रंट एंड के फ्रंट एंड साइड से सेंड किया है हमारे बैक एंड में राइट सो वी आर लिसनिंग टू डैट इवेंट रिसीव अपडेट एंड जैसे ही हमको मिलेगा डेटा हम लोग एक चीज़ करेंगे हम लोग हमारे सेट कंटेंट नाम के वेरिएबल को करते हैं या फिर हमारे कंटेंट वेरिएबल को करते हैं अपडेट यूजिंग सेट कंटेंट और क्या सेट कर देंगे हम लोग जो डेटा हमको मिल रहा है हमारे बैक एंड से और साथ ही साथ हम लोग सेट सॉकेट जो हमने ऊपर में क्रिएट किया है सॉकेट जिसको इनिशलाइज किया है नल से उसको भी हम लोग सेट कर देते हैं विथ द इंस्टेंस ऑफ सॉकेट राइट इसका मतलब है जैसे ही हमारा आ, कुछ भी बैक एंड से हमको रिसीव होगा इवेंट जो भी डेटा रिसीव होगा हम लोग उसको सेट भी कर दे रहे हैं हमारे सेट कॉन्टेंट के अंदर और हमारे इंस्टेंस को भी हम लोग सेट कर दे रहे हैं सॉकेट नाम के वेरिएबल के अंदर सो दिस इज़ बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ फैचिंग डेटा फ्रॉम द बैक एंड सो नाउ वॉट अबाउट सेंडिंग डेटा टू द बैकेंड वो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हमारा जो हैंडल कॉन्टेंट चेंज नाम का फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने अभी तक केवल सेट कॉन्टेंट को अपडेट किया है नाउ आई वॉन्ट टू सेंड दिस डेटा टू माई बैक एंड मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ इफ़ सॉकेट इज़ प्रेजेंट यानी कि यहाँ पर जो हमने सेट सॉकेट किया है अगर सॉकेट प्रेजेंट है हमारे इस सॉकेट में नल नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे तब हम लोग सॉकेट के थ्रू हमारे बैकहेंड में डेटा सेंड करेंगे डेटा बैक से रिसीव करने के लिए हम लोग डॉट ऑन लगाते हैं लेकिन डेटा को सेंड करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है एक और फंक्शन दैट इज़ एक और आप बोल सकते हो मैथड एंड दैट इज़ एमिट मैथड सो so, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सॉकेट डॉट एमिट एमिट मतलब मैं एमिट कर रहा हूँ मेरे कुछ चेंजेस हैं जो कुछ चीज़ें हैं उनको सेंड कर रहा हूँ एंड में सो आई हैव टू यूज एमिट और क्या एमिट करना है किस uh, किस मैथड में एमिट करना है किस इवेंट पे एमिट करना है किस इवेंट पे सेंड करना है हमारे डेटा को वो हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा सो so, मैंने ऑलरेडी एंड में अपडेट कॉन्टेंट नाम का एक इवेंट क्रिएट किया था सो so, उस इवेंट पे मुझे सी ओ एन टी कॉन्टेंट नाम के मेथड पे मुझे हमारे इस न्यू डेटा को जो भी मैंने न्यू डेटा लिखा है फिलहाल न्यू डेटा नहीं सॉरी न्यू कंटेंट जो भी मैंने लिखा है वो पूरा कंटेंट मैं सेंड कर दूंगा अपडेट कंटेंट नाम के मेरे बैक एंड के उस इवेंट को नाउ लेट्स जस्ट सेव दिस एप्लीकेशन और हम लोग जाते हैं हमारे फ्रंट एंड में मैं एक बार करता हूँ इंस्पेक्टर को ओपन और कंसोल में जाते हैं अगर आपको कंसोल में कोई एरर नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आपका सॉकेट अच्छे से काम कर रहा है कनेक्ट हो चुका है इसको जानने का एक तरीका और है नेटवर्क्स में आप जा सकते हो नेटवर्कस में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डब्ल्यू एस का दिस इज़ वेब सॉकेट जैसे ही आप रिफ़्रेश करोगे पेज को यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर वेब सॉकेट एक कॉल हो रहा है एंड यहाँ पर आपको कुछ एक ए पी आई कॉलिंग जैसा दिखेगा दिस इज़ वन ज़ीरो वन एंड दिस इज़ पेंडिंग अगर यहाँ पर रेड नहीं आ जाता फोर ओ फोर नहीं आ जाता फाइव हंड्रेड एरर नहीं आ जाता दैट मीन्स Uh, अगर नहीं आता है डेट मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैक एंड वेब सॉकेट से कनेक्ट हो चुकी है नाउ लेट्स जस्ट क्लोज दिस एंड जस्ट टू डबल श्योर मैं इस एप्लीकेशन को एक बार और करता हूँ रिफ्रेश और जाते हैं हम लोग हमारे बैकेंड के कोड में और बैकेंड के कोड में यू कैन सी हम लोगों को मिल रहा है अ न्यू यूज़र हैज़ बीन कनेक्टेड इफ आई रिफ्रेश अगेन एंड गेट बैक आप देख सकते हो अ न्यू यूज़र हैज़ बीन कनेक्ट मुझे लॉग मिल रहा है दैट सिंपली मीन्स कि हमारा जो यूज़र है फ्रंट एंड की साइड से कनेक्ट कर पा रहा है हमारे बैक एंड एप्लीकेशन में एंड दीज आर द टू मैथड्स जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं हमारे फ्रंट एंड में नाउ लेट्स टेस्ट अवर एप्लीकेशन सो एक इंस्टेंस मेरा यहाँ पर ओपन है मैं यहाँ पर ए, इन दोनों को करता हूँ क्लोज और सेम लोकल होस्ट थ्री थाउजेंड को मैं कर लेता हूँ पास में ओपन और मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं यूज़र टू हूँ फ़िलहाल यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ रैंडम वर्ड्स यू कैन सी द सेम थिंग हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड हेयर ऑल्सो बिकॉज जैसे यूज़र ने कुछ टाइप किया हमारा जो कोड है बेसिकली हमारा फ्रंट एंड के कोड पर अगर मैं एक बार जाऊँ so इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज एंड दिस इज़ अवर फ्रंट एंड कोड हमारे फ्रंट एंड कोड में हमको यहाँ पर यूज इफेक्ट में मिला रिसीव अपडेट रिसीव अपडेट ने हमारे सेट कॉन्टेंट को क्या कर दिया अपडेट कर दिया जैसे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ ऑन चेंज हैंडलर चल रहा है और सॉकेट के थ्रू हम लोग एमिट कर दे रहे हैं अपडेट कॉन्टेंट को डेटा अपडेट कंटेंट यानी कि हमारा डेटा जाएगा बैकेंड में बैक एंड में जैसे ही डेटा गया हम लोग ब्रॉडकास्ट कर दे रहे हैं हम लोग एमिट कर रहे हैं सारे डेटा को इस इवेंट पे रिसीव अपडेट पे यानी कि डेटा जितने भी यूज़र कनेक्टेड हैं सॉकेट से सब लिए रिसीव अपडेट चलेगा और सेट कॉन्टेंट हो जाएगा दिस इज़ रियल टाइम एप्लीकेशन ओके सो अवर एप्लीकेशन इज ऑलमोस्ट रेडी दिस वॉज अवर बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ कोलेब टेक्स्ट एडिटर लेट्स मेक दिस लिटिल ब्यूटिफुल यूजिंग मटेरियल यू आई एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन स्किप दिस पार्ट बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो लिटिल मोर अबाउट मटेरियल यू आई यू कैन स्टिक अराउंड एंड लेट्स डू सम स्टाइलिंग एंड मेक द यू आई लुक लिटिल बेटर सो वट आई कैन डू इन साइड माई ऐप जो है मैं हमारे होम कॉम्पोनेंट को व्रैप कर देता हूँ कंटेनर के अंदर कंटेनर uh, बेसिकली हमारा मटेरियल uh, यू से हमको मिलेगा एक कॉम्पोनेंट सो वी हैव टू इम्पोर्ट कंटेनर फ्रॉम एट एम यू आई स्लैश मटेरियल लेट सेव इट एंड वी हैव द चेंज सो वी हैव सम चेंजेस बट हम लोगों को होम अभी नहीं दिख रहा है सो लेट मी एड होम बैक एंड कंटेनर बेसिकली करता क्या है लेफ़्ट और राइट से थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग हमको दे देता है ताकि हमारा सारा कंटेंट जो है सेंट्रली थोड़ा सा अलाइन हो जाए फिलहाल मुझे लग रहा है साइड से ज़्यादा ही इसने स्पेस दे दिया इसलिए हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो काफ़ी बीच में आ चुका है मैं एक काम करता हूँ हमारे इस कंटेनर को मैं थोड़ी सी विथ दे सकता हूँ सो वॉट आई कैन डू आई कैन बेसिकली प्रोवाइड द मैक्स विथ प्रॉपियर एंड लेट मी राइट मैक्स विथ एंड विथ ऑफ दे देते हैं उसको मीडियम दैट्स कूल एंड लेट्स एड दी हैडर सेक्शन सो हैडर ऐड करने के लिए हम लोगों को बेसिकली हम हैडर को बोलते हैं ऐप बार सो वी नीड टू इम्पोर्ट ऐप बार फ्रॉम एट एम यू आई सेम जैसे हमने कंटेनर को इम्पोर्ट किया है देन हम लोग इन साइड ऑफ आवर ऐप बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं टूल बार को अगेन टूल बार भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल यू आई से एंड देन आई कैन यूज़ टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी बेसिकली जो भी टेक्स्ट होता है उसको थोड़ा सा इन्हैंस करने के लिए और टेक्स्ट टेक्सट ऊपर स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारे एप्लीकेशन का नाम है कोलैब बुक सो लेट मी गिव आवर एप्लीकेशन अ नेम एंड इन साइड ऑफ दिस टाइपोग्राफी आई कैन डिफाइन द वेरियट लाइक आई वॉन्ट एन एच सिक्स वेरियंट सो ये बेसिकली हेडिंग सिक्स के जैसे वर्क करेगा हेडिंग सिक्स जितना साइज़ और तो जो भी स्पेसिंग होगा वो ले लेगा हमारा टाइपोग्राफी नो व्रैप हम लोग एक प्रॉप पास कर सकते हैं ताकि व्रैप ना करें हमारा सी एस एस थोड़ा सा ठीक रहे कॉम्पोनेंट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस कॉम्पोनेंट जैसे वर्क करे सो हम लोग टाइपोग्राफी और मटेरियल यू के अंदर बेसिकली कॉम्पोनेंट को यूज़ करके किसी भी मेटेरियल यू आई कॉम्पोनेंट को एक सर्टेन टाइप का बना सकते हैं सो दिस विल बिहेव लाइक अ डिव एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए सेक्स प्रॉप बट दैट्स नॉट नीडेड फॉर नाउ सो हमारा क्वाल बुक का जो हैडर है वो हमको अच्छे से दिख रहा है लेट मी डू वन थिंग लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल एंड एप बार की जो पोजीशन है उसको हम लोग कर देते हैं स्टैटिक सो इट विल रिमीन स्टैटिक एट द टॉप एंड बीच में हम लोगों को मिल रहा है हमारा uh, जो टेक्स्ट एरिया है वो हमको मिल रहा है एक काम करते हैं टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा हम लोग विथ और हाइट दे देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट एरिया जो है वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है सो लेट मी गिव स्टाइल टैग एंड इन साइड ऑफ दैट आई गिव विफ नाट विंडो डब्ल्यू ए डी टी एच विथ ऑफ हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट

जितने भी यूज़र कनेक्टेड हैं एट अ टाइम हमारी एप्लीकेशन में उन सबको चेंजेस दिखाई देंगे फॉर एग्जांपल यूज़र टू इज टाइपिंग एंड यूज़र वन कैन सी व्हाट यूज़र टू हैज़ टाइप्ड एट रियल टाइम सो यू कैन थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ विच वी कैन यूटिलाइज़ एंड क्रिएट समथिंग रियली कूल इफ़ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़ ऑन सॉकेट आई हो मोर इन डेप्थ वीडियोज़ वे आर आई विल एक्सप्लेन ईच थिंग्स इंडिविजुअली And if we should create some chat application, so do let me know in the comment section. So, thank you so much for watching this video. Have a great day, everyone. Happy learning, and I'll see you in the next one. Till then, happy learning.